असली गारंटी है केजरीवाल की गारंटी, बाकी सारी गारंटी झूठी है, बाकी सारी पार्टियों की गारंटी झूठी है। केजरीवाल जो बोलता है वो करके दिखाता है, केजरीवाल झूठ नहीं बोलता। These were the promises made by Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal regarding the regularization of employment of daily wage workers. The sense of frustration and anger among these workers is palpable. For months, they have gone unpaid, leaving their families teetering on the edge of hunger and desperation. जैसे सरकार अमीर लोगों के घर पे छापा मारती है, ऐसे हम गरीबों के घर पे भी छापा मार के देखे ना आके कि हमारे घर में क्या नहीं है। हम 2 महीने से धरने पे बैठे हैं, आके तो देखें एक बार कि हमारे घर में राशन नहीं है, क्या नहीं है, हमारे बच्चों की पढ़ाई छूट गई है, ट्यूशन फीस नहीं भरी जा रही, मकान मालिक किराया मांगते हैं, हम कहाँ से किराया भरें, कहाँ से हम राशन के लिए पैसे लाएं, हैं मेरे पैर में छाले पड़ गए। परसों हम मीटिंग में आते हैं, पैदल चल चल के आते हैं कि मैं आपसे हाथ जोड़ के कहती हूँ केजरीवाल जी, जहाँ भी हो हमारी सुनो, हमने आपको जिताया है, हमने घर 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 जाके वोट मांगी है, तो आप हमें पक्का करो, हम पक्का होंगे। हमें ना बिजली फ्री चाहिए, ना हमें बस फ्री चाहिए, ना हमें पानी फ्री चाहिए, हम खुद दे सकते हैं, हम खुद दे सकते हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी आज मिट्टी में मिलनी है। मुझे परेशानी होती है, मेरे घर में भी दिक्कत है, कल मेरे हस्बैंड भी जो है ना चक्कर खा के गिर गए, मतलब टेंशन इतनी है, मैं बेटी की ना फीस भर पा रही है, कॉलेज में वो जाएगी, मतलब ये लोग समझते ही नहीं हम कितनी दिक्कत में है, बहुत ज़्यादा। पार्ट टाइम भी हमें काम करना पड़ता है इधर उधर अपना घर चलाने के लिए, और किराए पे रहते हैं, और मैं तो ऐसी हूँ, मैं किसी से बोल भी नहीं सकती कुछ। For the past 2 months, sweepers, watchmen and nursing attendants employed under the Delhi government's health department have been staging protests. Ironically, many of these workers were recognized as COVID warriors by the government. Yet, today they find themselves in a precarious financial situation, struggling to make ends meet. मैं सफाई कर्मचारी हूँ और हमारी 3 महीने की सैलरी नहीं आई है, और उसके बावजूद भी हमें बाहर निकाला गया, और डेली वेज के हम लोग हैं, उसके बाद भी हमें रोड पे बिठाया गया, और कोरोना वायरस है, हम कोरोना में हमें हमने काम भी किया, डेड बॉडी भी उठाई, लेकिन उसके बाद भी हमें कुछ नहीं मिला, रोड मिला है। 3 महीने से सैलरी नहीं मिली, 2 महीने हो गए हमें बैठे हुए, 5 महीने हो गए, घर बार चल रहा है भैया, जो पहले का जोड़ा था वही ख़त्म हो गया, पर आ रहे हैं अभी तो फिलहाल, बस में किराया नहीं लगता तो इसलिए आ रहे हैं, जिस दिन मेट्रो से आना होता तो शायद नहीं आते। हमारी मांगे ये हैं कि हमें नियमित किया जाए और हमें सैलरी और 60 साल की नौकरी। सम ऑफ दीज वर्कर्स हैव डेडिकेटेड 15 इयर्स ऑफ देयर लाइव्स टू देयर जॉब्स, एंड येट टुडे दे आर नॉट ओनली डिनाइड देयर सैलरीज बट ऑल्सो गिवन नो होप ऑफ अचीविंग परमानेंट एम्प्लॉयमेंट। दे आर्ग्यू दैट दिस इज अ ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स रूल्स कंसर्निंग द रेगुलराइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डेली वेज लेबरर्स। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि 240 हाजिरी पर कर्मचारी का नियमितीकरण होना चाहिए, जैसे कि इक्वल वर्क इक्वल पे, समान काम का समान वेतन, ये हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और हम अपने सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन सरकारें आज क्या कर रही हैं, सरकारें मजदूरों को पीसने का काम कर रही हैं, गरीबों को ख़त्म करने का काम कर रही हैं, गरीबों की नौकरी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, जबकि 240 हाजिरी होने पर इनको पक्का किया जाना चाहिए था, लेकिन हुआ इसका उल्टा, इनको कार्य से ही निकाल दिया गया। इन लोगों ने कार्य किया और जबकि ये दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरियों में कार्यरत हैं, और 3-3 माह इनको सैलरी को, 4-4 माह इनको सैलरी दिए हुए हो गए, तो ये बताइए कि ये मजदूर काम कैसे करेगा, जब इनके पेट में अन्न नहीं होगा तो इनका कैसे घर चलेगा, कैसे ये कार्य पर आएंगे, जब इनकी जेब में पैसा नहीं होगा तो कैसे कार्य पर आएंगे और कैसे कार्य करेंगे। इन लोगों को 10-10, 8-8, 15-15 साल कार्यरत कार्य करते हो गए इन डिस्पेंसरियों में जो दिल्ली सरकार के तहत आती हैं, जो ठेकेदार है या कोई कंपनी है या आला अधिकारी कहिए, वो इन्हें डरा धमका कर रखते हैं, सैलरी देने से पहले एक इनसे अंडरटेकिंग ली जाती है कि आप कभी भविष्य में पक्का होने की डिमांड नहीं करेंगे, आप धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, आप लोग कभी आवाज़ नहीं उठाएंगे। Adding insult to injury, the workers argue that bringing in contractors as middlemen to oversee the daily wages has further destabilized their careers. They say this move undermines the years of service they have dedicated to their jobs. Duty fixed nahi hai, kahan karenge, kitne ghante karenge, kabhi 12 ghante, kabhi 14 ghante, kabhi 10 ghante duty li jati hai. Aur duty bhi jo kaha gaya wo nahi, kuch bhi inse kaam karaya jata hai. Ye to ek baat ho gayi. समय पर इनको तनख्वाह नहीं मिलता, पिछले 3 महीने का तनख्वाह इनका रोक लिया गया था, अब कंपनी सीधे यानी दिल्ली सरकार जो है, दिल्ली स्वास्थ्य निदेशालय
जिसने सीधी बहाली की थी अब वो सीधे नहीं रखकर बीच में एक ठेकेदार डालेगा। वो ठेकेदार आएगा, वो फिर ये तय करेगा कि हम इनको रखेंगे या नए को रखेंगे। दूसरी बात, ठेकेदार फिर से तनख्वाह तय करेंगे। तीसरी बात, जब ठेके पर वो चले जाएंगे तो जिंदगी में कभी पक्के नहीं हो सकते। जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय केजरीवाल ने अपने तीनों चुनावी घोषणा पत्र में ये वायदा किया था कि हम, मेरी सरकार जब आएगी तो हम तमाम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे। ये 585 लोग वही है जिन्होंने दिल्ली को शर्मसार होने से बचाया। कोरोना काल जैसी महामारी के अंदर इन लोगों ने दिल्ली को स्वस्थ करा, दिल्ली को उस कोरोना काल के महामारी से दूर रखा। जिस समय पर परिवार परिवार को छोड़कर भाग रहा था, उस समय बिना यातायात साधन होते हुए भी ये लोग घर से मार्च कर पैदल चलकर डिस्पेंसरी तक आए। इन्होंने वो कार्य किया कि इन लोगों को, इनको कोरोना योद्धा का तो सर्टिफिकेट, वो कागज का टुकड़ा दिल्ली सरकार ने पकड़ा दिया, लेकिन तनख्वाह देने में कोताही बरतती है, इनको पक्का करने में कोताही बरतती है, इन लोगों को कर्मचारी मानने में ये कोताही बरतती है, लेकिन एक नाटक इन्होंने रचा कि आप कोरोना वॉरियर्स हैं, यानी कि कोरोना योद्धा हैं आप। We reached out to the office of the Directorate General of Health Service for comments, but they did not respond to our queries. Despite legal mandates and promises from the government, these workers continue to face unpaid wages, job insecurity, and a future overshadowed by the very system that should be supporting them.